आज मैंने आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई है और ये सब्जी मुश्किल से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। इसे मैंने कुकर में बनाया है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 किलो फूल गोभी और इसके साथ मैंने 3 आलू लिए हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, काट के और अच्छे से धो लिया है। तो इन्हें हम कुकर में बनाएंगे, थोड़ा सा इन्हें हम कढ़ाई में शैलो फ्राई कर देंगे। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और इसमें मैं आलू और गोभी दोनों को डाल के 5 से 6 मिनट के लिए हल्का भून लूँगी। ये सब्जी बिना लहसुन प्याज के मैं बनाऊँगी, इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं। और अक्सर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी में प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए। तो इन सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम। तो जब तक ये हमारी सब्जी फ्राई होगी, तब तक हम इसके लिए एक अच्छी सी मसाला तैयार कर लेंगे। और इस सब्जी को जल्दी बनाने के लिए हम कुकर में इसको बनाएंगे। तो इसका जो ग्रेवी बनेगा, इसके लिए हम डालेंगे 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये थोड़े से हरे धनिए के डंठल हैं। इससे सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ये 4-5 मिनट मैंने इसको भून लिया है, इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। अब मैंने कुकर में 2 से 3 चम्मच तेल डाला है और ये 1 चम्मच पंचफोरन है। पंचफोरन से सब्जी, आलू गोभी की सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच साबुत धनिया, इसके साथ ही 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी और मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जब मसाला भुन जाए तो हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि तेल में ही, गरम तेल में ही हम हल्दी डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे, इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। तो ध्यान रखें कि तेल इतना गर्म ना हो कि हमारे मसाले जल जाएं। और तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हमने टमाटर के पेस्ट में भी 3 हरी मिर्च को पीस रखा है। तो मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड हल्दी और मिर्च को भूनने के बाद इसमें हम टमाटर का जो प्यूरी बनाया है उसे डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इसे हम भून लेंगे। जब 1-2 मिनट इनको भूनते हुए हो जाएगा, तब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और इनको मिक्स कर देंगे। क्योंकि मसाले हमारे सूखे हैं, सूखे मसाले हमने डाले हैं, तो थोड़ा टमाटर के पानी में जो पानी इनका मॉइस्चर रहता है, उससे मसाले अच्छे से पक जाते हैं। और इसी के साथ मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के सांभर मसाला, इससे सब्जी में टेस्ट बिल्कुल अलग आता है आलू गोभी की सब्जी में और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है। तो एक बार आप इस तरीके से सब्जी ज़रूर ट्राई करें बना के। और जितनी आपकी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। मसालों के साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे, ताकि जब हम आलू गोभी इसमें डालें तो जैसे ही मसाले सब्जियों के ऊपर लगे तो नमक सब में बराबर लग जाए। देखिए अब मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन गया है और इसमें से ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें जो आलू और गोभी को भून के रखा था उसे डाल देंगे, और सारा एक ही बार में नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे फिर इनको मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले सब में बराबर अच्छे से लग जाए।
इससे नमक भी बिल्कुल अच्छे से सारी सब्जियों पे बराबर लग जाता है। और अब हम बाकी की जो आलू गोभी है उसे भी डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। सब्जियों को मसालों के साथ केवल हम 1 मिनट के लिए चला के ऐसे ही हल्का भून लेंगे और इससे ज़्यादा अब इसे हम नहीं भूनेंगे। तो इसमें हम डालेंगे, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डालिए, और अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो बिल्कुल आधी कटोरी पानी डालिए या आधा कप पानी डालिए, इससे ज़्यादा नहीं डालिए। और इनको हल्का सा मिक्स कर दीजिए। गोभी आप बहुत छोटा भी नहीं काटिए, बहुत बड़ा भी नहीं काटिए, इतना बहुत छोटा रहेगा तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा वो। और इसी के साथ ही हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और फिर इसके ढक्कन को बंद करके मीडियम फ्लेम पे, बहुत लो फ्लेम पे भी नहीं, बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं, बस हम 1 सीटी लगाएंगे। और देखिए जैसे ही 1 सीटी आएगी गैस को बंद कर देंगे, 2 मिनट तक हम कुकर को नहीं खोलेंगे, 2 मिनट बाद हम कुकर को खोल देंगे। देखिए 2 मिनट बाद मैंने कुकर को खोल दिया है और ये सब्जी आप देख रहे हैं कि सब्जी बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ है, ना इसमें ज़्यादा पानी है। अगर आपको लगे कि सब्जियों में पानी है तो बिना चलाए हाई फ्लेम पे उसके पानी को सुखा दीजिए आप। और एक आलू मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, ये आलू बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ है। देखिए ना आलू ओवर कुक हुआ है और ना ही गोभी ओवर कुक हुआ है। जैसे आप सब्जी कढ़ाई में बनाते हैं फ्राई आलू गोभी की सब्जी, बिल्कुल वैसी सब्जी बनके तैयार हुई है ये, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब इसको हम ढक के नहीं, थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे और ये देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये सब्जी बिल्कुल नहीं लग रही कि हमने इसे कुकर में बनाया है। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर सब्जी को बनाइए और हमें ज़रूर बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।